हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट की फाइल नवंबर मंथ में लॉस्ड हैं एंड अक्टूबर लास्ट में लॉस्ड हैं, उनके रिजल्ट उन्हें कब रिसीव होंगे। सो गाइज, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जो मैक्सिमम फाइल है नवंबर मंथ की, वो लॉस्ड हैं 13 नवंबर को, जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पर पूछते हैं कि मैम, 13 नवंबर के रिजल्ट जो IRCC ने हैं वो स्किप क्यों कर दिए हैं। सो गाइज, इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है कि उन्होंने नवंबर की कुछ फाइल्स हैं एंड एक वीक है जो पूरा स्किप कर दिया, जिसके रिजल्ट वो नहीं दे रहे हैं। बट होपफुली आपके रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीक से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो करंट ट्रेंड है, IRCC ने ऑलरेडी अक्टूबर मंथ एंड नवंबर में जो कुछ लॉस्ड फाइल हैं उनके रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अक्टूबर मंथ के कुछ रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो आपका रिजल्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। एंड कुछ फाइल हैं जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर भी लॉस्ड हैं, उनके रिजल्ट हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, तो आप अभी वेट करें। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट का, जो टेक्स्ट करके पूछते हैं कि वो वेब फॉर्म रेज करें या ना करें। सो गाइस, वेब फॉर्म रेज करने की गलती ना करें, बिकॉज ये आपकी प्रोफाइल पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। बेस्ट रहेगा कि आप वेट करें फेब एंड तक, एंड वीक ऑफ मार्च, उसके बाद ही आप जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है वेब फॉर्म रेज करना, एंड लास्ट ऑप्शन जो होता है वो विड्रॉ करना। सो अभी आप वेट करें एंड अपनी प्रोफाइल का, होपफुली आपको जल्दी आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल हैं वो जो 13 नवंबर की स्टक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट की जो फाइल है वो 13 नवंबर, 1 नवंबर एंड 3 नवंबर को स्टक हैं। एंड कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी अक्टूबर मंथ की फाइल भी स्टक हैं और जिनके वीज़ाज आना स्टार्ट हो गए हैं। क्या है कि जो फाइल लॉस्ड हुई हैं उनके, जो जिन फाइल के मेडिकल अपडेट हुए हैं उन्हीं के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एंड यस, ये मैक्सिमम देखा गया है कि जिन फाइल के रिजल्ट फर्स्ट वीक में देखने को मिले थे उनके जो मेडिकल थे वो जैन लास्ट में अपडेट हो गए थे, या जैन 23 से अपडेट होना स्टार्ट हो गए थे। एंड जिन फाइल के रिजल्ट फैब एंड में देखने को मिले हैं उनके जो मेडिकल अपडेट हो गए थे फैब फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में। एंड अगर गाइस आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है एंड आपकी प्रोफाइल में कोई भी अपडेट नहीं हुई है, तब भी आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, बिकॉज बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि रिजल्ट एंड BVR PPR सब एक साथ एंड मेडिकल भी एक साथ अपडेट होते हैं। सो आप इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपकी सारी क्वेरीज के आंसर आपको मिल गए हो। एंड अगर आपकी कुछ और क्वेरीज भी हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगी। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।